हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आशीष भारद्वाज चैनल से एक वीडियो क्लिप। ओके, तो मतलब वैसे वीडियो ये काफ़ी लंबी है, आपको ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पैसे निकाल तो अपन को रिक्स लेने का ही नहीं है मेरे को कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत के झमेले में मुझे पढ़ना नहीं है। तो अभी करंट बॉयफ्रेंड है कोई? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बाबा, मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं है। अब तो घर वाले कहते हैं कि करो, ढूंढो, क्या कर रहे हो, ढूंढ कोई लड़का। कहाँ ढूंढू, क्या करूँ, मेरे को नहीं चाहिए नहीं कोई लड़का। मतलब अच्छा, ब्रेकअप क्यों हुआ ये तो पूछ सकते है। देखो क्या ही बोलूं मैं, सिंपल सा है क्वेश्चन, वैसे इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन है, और ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे अभी तक का। आई नो, मैंने इसलिए इसे लास्ट में पूछते हैं। मैं ना ये एक्चुअली बताना चाह भी रही हूं, नहीं बताना चाह रही हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कट कर देना यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत स्मार्ट आंसर देना है इस क्वेश्चन पे, रुक जाओ। फुल स्मार्ट आंसर दे सकते तुम। देखो आप बस एक चीज सोचो, एक चीज इमेजिन करो कि आप किसी के साथ हो और आपको हर तरीके से ग्रांटेड लिया जा रहा है, और आपको आपकी मतलब आपको पता लग रहा है कि चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही ज्यादा ब्लाइंडली प्यार में हो, तो आपको कोई चीज समझ आ नहीं रही है उस टाइम पे कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको सब लोग बोल रहे हैं आपके आसपास कि देख गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप कह रहे हो नहीं, कहाँ हो रहा है, सब तो सही है, कुछ नहीं हो रहा। अरे हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन हो रहा है आपकी आंखों के आगे। आप फिर भी उसे इग्नोर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आप इस बात को मानोगे कि आपने भी जब शुरुआत करी थी तब आप मिले थे, हम मिले थे डोमिनोज में, पीवीआर में, आपको अगर याद है मुझे, तब आपने देखा था। हाँ। अब आप आज इतने अच्छे बड़े मुकाम पे हो, है ना, आप अगर आज के टाइम में कोई बात बोलोगे तो आपकी बात को कुछ समझा जाएगा कि हाँ आपने बोला है कुछ, तो मतलब ये इनके मुंह से निकली है बात। आज मैं ये बात कहूँ कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादातर ज्यादा पलड़ा जो कहेंगे ना भारी, उसी इंसान का सुना जाएगा, उसी इंसान का माना जाएगा जिसके पास आज के टाइम में पावर है, जिसके आज के टाइम में नेम फेम है। मैंने ये चीज बहुत ही हार्श तरीके से सीख ली है कि जिंदगी में अच्छाई करना ना वो धरा का धरा रह जाता है जब सामने पैसा और औदा आ जाता है। तो आज मैं इधर इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के अगर ये बात बोल भी देती हूँ, सारी बातें खोल भी देती हूँ, तो कुछ फर्क नहीं होने वाला, मतलब चीजें चेंज नहीं होंगी, न मैं चाहती भी नहीं। आज अगर आप मुझे पूछोगे क्या वो सही हुआ, मैं कहूंगी 500% सही हुआ, भगवान की कसम, मतलब अपने करियर की कसम, उससे बेटर चीज हो ही नहीं सकती थी मेरी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद जो प्रतिष्ठा निकल के आई है ना, वो खुद से प्यार करती है, वो अपने लिए जीती है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है। मेरे दिमाग में ये डाल दिया गया था कि हम इतने मतलब ऐसे आ गए हैं ऊपर, अब ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बिहेव करना है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत इंसान है, नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा इंसान है, और दिल का बहुत अच्छा है, काम काज में बहुत ऐसा हार्ड वर्किंग है, सोता नहीं है दिन में, मतलब बहुत अमेजिंग इंसान है, बट नॉट फॉर मी। सच बताऊँ, ये आजकल के रिलेशनशिप की ना ये हार्श रियलिटी है। आप देखो, बहुत लंबे टाइम तक किसी के साथ रहो, ठीक है, रिलेशनशिप में, और उसके बाद आपको एक टाइम पर आकर लगने लग जाए कि हाँ, जो वैल्यू मेरी शुरू में थी ना, वो वैल्यू अब नहीं रही है, ठीक है। तो ऐसा लगता है यार, फील होता है। अभी ये कोई नहीं कहता कि सामने वाला इंसान गलत है ना, क्योंकि सामने वाला इंसान गलत नहीं है,
वो अपनी जगह अपनी मेहनत जो कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं जनरल वे में बात कर रही हूँ, यहाँ प्रतिष्ठा और हर्ष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो कैसे उन्होंने सॉल्व किया, कैसे क्या किया, वो पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, लाइक मैंने भी फेस किया है, ओके तो इसलिए बात कर रही हूँ इस बारे में कि हाँ, देखो यार, एक टाइम आने पर ना आपको ये लगने लग जाता है दैट आपके हाथ में ना आपकी ज़िंदगी रही नहीं, लगने लग जाता है ये चीज़, ठीक है, ये लगने लग जाता है कि यार पहले तो कुछ और थे हम, और हम कुछ और होना चाहते थे, ठीक है, लेकिन फिर रह नहीं गया ऐसा कुछ, ठीक है, लाइक एक चीज़ पर एक टर्म आती है, ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ होते हैं, और एक मोड़ पर अगर आपको आके ये लगे कि हाँ यार देखो हम जहाँ हैं हम वहाँ खुश नहीं रह पा रहे हैं, ना हम खुश हैं ना हम दूसरों को खुश रख पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो रास्ता हम चल रहे होते हैं वो छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत लोगों को दुख होता है, बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, लोग आपको गालियाँ बकते हैं, लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने गलत किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, बट वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, वो एक मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में वो लोग ना जो बोलने वाले लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, ना ही आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, ठीक है, कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं बोल रहा है, पूरी लाइफ आपको जीनी है, और अगर पूरी लाइफ का सवाल है, ठीक है, अगर आप ही खुश नहीं हो देन आप किसको खुश रखोगे। और दूसरी बात ये होती है कि यार जब शुरू शुरू का रिलेशनशिप होता है ना, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक हेवन, ठीक है, शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा यार इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ये तो स्वर्ग है, सीरियसली, मतलब इससे अच्छा इंसान मुझे कुछ नहीं मिल सकता, इससे ये नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल सकता, मैं सच बता रही हूँ, ऐसी जो भी चीज़ है जो आपको 100% कंफर्टेबल फील कराएं, ठीक है, वो चीज़ें बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको 100% जो चीज़ें कंफर्टेबल फील कराएं या जो इंसान कंफर्टेबल आपको 100% फील कराए, समझ लो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी है, ठीक है, कि आपको पूरी लाइफ के लिए कोई 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, कोई भी 100% आपको खुश नहीं रख सकता है, तो इसीलिए यहीं पे वो लाइफ लेसन हमारे काम आते हैं जब ये चीज़ बोला जाता है कि हाँ कुछ तुम खुश रखो, कुछ हम खुश रखेंगे, ठीक है, दोनों मिल के उसके बाद जहान बनाएंगे अपना, ठीक है, तो ये चीज़ होता है, लाइफ लेसन इसी को बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक ही इंसान की बात नहीं सुननी होती है, जो साइकिल का जो चक्का होता है ना वो दो होते हैं, साइकिल के पहिए जो होते हैं वो दो होते हैं, अगर आगे वाला बंद हो गया तो पीछे वाला अपने आप रुक जाएगा, अगर पीछे वाला रुक गया तो आगे वाला आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना, तो ये चीज़ होती है, दोनों को साथ में बहना होता है, लेकिन वही है आजकल के जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, कोई एक इंसान, दोनों में से कोई एक ना एक कंट्रोलिंग नेचर का बन जाता है, वो काम के वजह से बन जाता है या किसी भी वजह से बन जाता है, ठीक है, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है भाई, दुनिया है, सोशल सोसाइटी है, ठीक है, उसमें कोई भी कैसे भी बदल सकता है ना, और लोगों को ध्यान रखना पड़ता है और कि हम कैसे मतलब रह रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, जबकि दूसरा इंसान क्या होता है, वो फोकस्ड होता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो सोचता है यार कि वो हर चीज़ बिल्डअप करने में लगा होता है, उसका ध्यान नहीं जाता कि हाँ हम इधर उधर देखें या ना देखें, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है, ठीक है, वो देख रहा होता है कि हाँ हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ठीक है, तो उनके वहाँ पर चैलेंजेस आ जाते हैं कि हाँ भाई अब हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे रहना है, अब हम एक नेक्स्ट लेवल स्टेज पर आ गए हैं, आप तब अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, ठीक है, तब आपको लगने लगता है कि यार नहीं यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर जब आपको रखा जाए, ठीक है, देन इट्स ओके, ओके, क्योंकि सोसाइटी हमेशा सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी आपका प्यार होना चाहिए, और अगर सोसाइटी प्राइमरी हो जाती है और आप सेकेंडरी हो जाते हो, द
फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ इन अ जनरल वे, ठीक है? तो प्लीज़ कोई इस चीज़ को प्रतिष्ठा या हर्ष से रिलेट नहीं करेगा, ओके? तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।